ये है हमारी धुली हुई और ड्रायर में चलाई हुई बेडशीट। तो आज हम सीखेंगे कि इसे टांग के सुखा के फिर फोल्ड कैसे किया जाए। सबसे पहले आप एक जगह देख लेंगे जो कि अच्छी लंबी हो ताकि आपकी बेडशीट पूरी खुल सके और आप अच्छे से टांग पाए। तो एक कोने से आप पकड़े रहेंगे, फिर उसे खोल के फिर थोड़ा सा झाड़ झाड़ के उसके दूसरे कोने तक पहुँच जाएंगे। देखिए हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। तो अब इसके बाद अगर आपके पास जगह ज़्यादा है तो फिर आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं, वरना आप इसे फोल्ड कर देंगे इस तरह। जब आपने कर लिया है उसके बाद इस तरह से इसे कर लेना है। अब ये देखिए आपकी जगह भी कम कर रही है और बेडशीट्स क्योंकि थोड़ी सी पतली होती हैं इसीलिए सूख भी जाएंगी। अब इसे आप पकड़े रहिए क्योंकि हवा तेज़ है। फिर उसके बाद इसका एक पिलो कवर लें, इसे एक साइड पर लगाएँ और उसके बाद एक, अगर ज़्यादा तेज़ हवा है तो आप सेफ्टी पिन ही लगाएं, वरना आप पिन भी लगा सकते हैं। या आपने सेफ्टी पिन लगाई और इसी तरीके से आप दूसरा पिलो कवर इसके दूसरे कोने पे कर लें। अगर कपड़े फैलाते टाइम ही आपने इसे अच्छे से कर लिया तो आपको इसे मैनेज करने में, मतलब आयरन और अपने कवर में रखने तक, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हमने इसकी चारों लेयर्स में ये सेफ्टी पिन लगाई है तो अब हम इसे थोड़ा सा और स्प्रेड कर लेंगे, थोड़ा सा और झटक लेंगे ताकि वही प्रॉपर अलाइनमेंट आ जाए। अब ये देखिए आपकी बेडशीट फैल चुकी है, अब ये थोड़ी देर में सनड्राई हो जाएगी। अब देखिए ये चादर सूख चुकी है और काफ़ी तेज़ हवा चलने के बावजूद भी ये देखिए कहीं नहीं गई है, ना तो हमारी बेडशीट और ना हमारे पिलो कवर्स। तो अब आपने जितनी सेफ्टी पिन गिनी थी, लगाई थी इस पर, उतनी ही गिन के आप निकाल लेंगे क्योंकि अगर आपने कोई भी एक छोड़ दी और आपने खींच लिया तो आपकी चादर फटने का डर हो सकता है। तो अब हम इसे एकदम संभाल के रख लेंगे ताकि नेक्स्ट यूज़ के लिए भी। अब हम इसे आराम से अपने हाथों पे ऐसे डाल लेंगे और इसको निकालने के लिए आप इसे थोड़ा इस तरीके से रखेंगे और फिर इसे ऐसे करके हाफ में मोड़ लेंगे ताकि ज़मीन पर टच होकर ये गंदा ना हो जाए। तो अब ये हमारा तैयार हो चुका है, तो अब हम इसे फोल्ड करने लेके चलते हैं। अब इसको फोल्ड करने के लिए या तो आप बालकनी में खड़े होकर ही कर सकते हैं ताकि इसका नीचे तक आपको मिल जाए कवरेज, या तो आप अपनी हाइट और बेडशीट की लेंथ को ध्यान में रखते हुए एक स्टूल यूज़ कर सकते हैं या बिस्तर पे खड़े होकर भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपने फोल्ड किया है तो बहुत ही अच्छा है, तो इसकी ऐसे उसे फोल्ड ही रहने देना है। फिर इसे हम थोड़ा सा ऊपर करके झटक लेंगे। उसके बाद या तो आप, मैं आपको दो मेथड बताऊंगा, या तो आप ये कर सकते हैं कि ऐसी गर्दन लगाई और फिर ऐसे करके फिर यहाँ से पकड़ के ये आप इसमें सीधा डबल फोल्ड अपना देंगे, ऐसे झटका दे देंगे और जब आपका डबल फोल्ड पहुँच जाए तो ये जब ऐसे हो जाए तो थोड़ा सा झटका देके आपको ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर सिलवट ना बने। बाकी बाहर अगर बन जाए तो हम मैनेज कर सकते हैं पर अंदर मुश्किल हो जाएगी। फिर इसको हम वापस से ऐसे हाफ कर लेंगे, इसको फिर थोड़ा सा झटका दे दे के आपने वापस एडजस्ट किया एंड देन अब इसे ऐसे करके हम जॉइंट कर लेंगे। अब ये देखिए आपकी एकदम आयरन बेडशीट की तरह हो गया है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो फिर ये 3 से 4 दिन में ही खुद से ही आयरन हो जाएगी जहाँ आप इसे रखेंगे वहाँ पर। अब ये देखिए हमने, अब दूसरा मेथड हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें पहले आप ऐसे ही स्टेज पे हैं, फिर उसके बाद इसको आपने छोड़ा एक एज को और उसके बाद इसको ऐसे कुछ खींचते हुए आप इसके दूसरे एज तक पहुँच गए। फिर आपने इसे थोड़ा बराबर करने की कोशिश की, फिर जब ऐसा हो जाए तो आप इन दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, बीच वाला हम फिर बाद में कर लेंगे। तो ऐसे करके फिर ये देखिए कुछ ऐसा आ गया है, तो अब हम इसे ऐसे कर लेंगे और फिर यहाँ से हम करेंगे तो जो आपका पहले वाला था उससे आपके एग्जैक्टली हाफ में उसी तरीके से आ चुका है। तो अब हम इसका हाफ दोबारा से कर लेंगे, ये भी बड़ा इजी मेथड है एंड देन उसके बाद इसे ऐसे ही हमने ज्वाइन कर लिया। ये देखिए इसमें टाइम भी कम लगता है, मैंने इसको ऐसे कुछ कर रहा और थोड़ा सा एडजस्टमेंट्स देके आपकी बेडशीट तैयार हो जाएगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अंदर सिलवट ना आए, क्योंकि अगर
अगर सिलवट नहीं होगी तो मतलब आपकी जो बेडशीट है वो तैयार हो गई है। वैसे तो आप इसे शैडो ड्राई भी कर सकते हैं, पर अगर सन की रेज में इतनी पावर है कि वो जर्म्स को भी मार दे तो हम क्यों ना उसका फ़ायदा उठाएं, है ना। फ्री में भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, हम क्यों ना उसका एक नेचुरल हीटर का उपयोग करें। तो अब इसको हम हाफ में खोल लेंगे और उसके बाद अपने आयरन किए हुए पिलो कवर्स को हम इसके अंदर डाल देंगे, इसके अंदर ही डालिएगा ताकि ये गुम ना हो जाए। और उसके बाद इसे अच्छे से फोल्ड करके अब ये देखिए, अब किसी भी एंगल से ये नहीं लग रहा है कि इस बेडशीट को हमने नहीं आयरन किया है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है। थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी फोल्डिंग।